नमस्कार, आप सबका स्वागत है। 2013 में आई फिल्म फुकरे की सीक्वल फुकरे रिटर्न्स सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में ऋचा चड्ढा, वरुण शर्मा, पुलकित सम्राट, अली फजल और मंजोत सिंह अहम भूमिका में हैं। मृदीप सिंह लांबा ने फिल्म का डायरेक्शन किया है। जानते हैं कैसी है फिल्म। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां प्रीक्वल खत्म हुआ था। चार दोस्तानी पुलकित सम्राट, चूचा, वरुण शर्मा, जफर, अली फजल और लाली मंजोत सिंह हैं। चूचा सपने देखता है जिसके आधार पर हनी लॉटरी के टिकट का नंबर निकालता है और जीत जाता है। इसी बीच भोली पंजाबन, जो पिछली फिल्म में जेल चली गई थी, एक साल बाद जेल से बाहर आती है। चारों दोस्तों की मुश्किल तब बढ़ जाती है जब चूचा को सपने में एक खजाना दिखाई देता है और भोली उन पर उस खजाने तक पहुंचाने का दबाव बनाती है। फिल्म में कई फनी ट्विस्ट आते हैं जिनके बारे में जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। मृदीप सिंह लांबा ने चार साल बाद फुकरे का सीक्वल बनाया है, लेकिन वे पिछली फिल्म वाली फीलिंग दूसरे पार्ट में नहीं दे पाए हैं। सभी किरदारों को उनके हिसाब से जगह वे नहीं दे पाए हैं। कहानी काफी कमजोर और कंफ्यूजिंग है। जफर और लाली के कैरेक्टर को ठीक तरह से जस्टिफाई नहीं किया गया है। कहानी के साथ साथ क्लाइमैक्स को दुरुस्त किया जा सकता था। पंकज त्रिपाठी ने जबरदस्त एक्टिंग की है। पर्दे पर उनकी मौजूदगी आपको खूब गुदगुदाती है। इसके अलावा चूड़ा के किरदार में वरुण शर्मा एकदम फिट बैठे हैं। वे भी ऑडियंस को खूब हंसाते हैं। ऋचा चड्ढा ने भोली पंजाबन का किरदार सहज तरीके से निभाया है। बाकी एक्टर्स ने भी अपने अपने हिस्से का काम ठीक तरह से किया है। पिछली फिल्म के मुकाबले फिल्म का संगीत कमजोर है। पिछली फिल्म का सॉन्ग बरसरिया खूब हिट हुआ था। इस बार भी बीच बीच में इसी गाने को चलाने की कोशिश की गई है। हालांकि, लेकिन इस बार ऐसा कोई नया सॉन्ग नहीं है जो दर्शकों को याद रह सके। वैसे तो फिल्म की कहानी में दम नहीं है, लेकिन अगर आप फुकरे की स्टार कास्ट की एक्टिंग के कायल हैं तो इसे एक बार देख सकते हैं।